दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 14 से 15 घंटे तक काम करते हैं, बट एक एवरेज इंडिविजुअल ही बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अचीवर्स कैसे डिफरेंट होते हैं एक एवरेज इंडिविजुअल से। दोस्तों, अगर आप किसी अचीवर को देखें तो एक बात आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो जाती है कि वो लोग अपने गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। बट दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपने गोल को लेकर हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, गोल क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी सक्सेस डिटरमाइन करता है। पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगा कि जो लोग अपने गोल को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जिनमें गोल क्लैरिटी नहीं होती, वो अक्सर अपनी लाइफ में क्या करते हैं। दोस्तों, इन सिम्टम्स से आप भी पता कर सकते हैं कि आपको गोल क्लैरिटी है या नहीं। इन जनरल वो लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को एम करते हैं और अक्सर एम्स को चेंज भी करते रहते हैं। लंबे समय तक टीवी देखते रहते हैं, बहुत सारा टाइम गॉसिपिंग, इंटरनेट चैटिंग, व्हाट्सएप पे बातें करते रहते हैं। थिंग्स को अक्सर पोस्टपोन करते रहते हैं, कहते हैं कल कर लूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। लंबे समय तक सोते रहते हैं, अपने एम्स को बीच में ही गिवअप कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर ये आपके माइंड में आता है कि एम को गिवअप कर दें, तो इट मीन्स आपके एम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। काम के टाइम पर बहुत लेजीनेस फील करते हैं, बोर्डम होता है और बहुत टायर्ड फील करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा तब होता है जब आपके एम्स एकदम क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिस्टिक गोल कैसे बनाएं। दोस्तों, हम सब मोर देन 100 बिलियन ब्रेन सेल से ब्लेस्ड हैं। इसका मतलब कोई भी अचीवर बन सकता है अगर हमारे एंड गोल्स क्लियर हैं तो। बट हम मोस्टली इन इंडिया अपने एंड गोल डिसाइड ही नहीं कर पाते कि एट द एंड हमें लाइफ में करना क्या है। आई एम श्योर अगर आपके ड्रीम्स थोड़े से भी बड़े होंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि 9 to 5 जॉब करना ही मेरा ड्रीम है। बट ट्रूली स्पीकिंग, मैं भी पहले ऐसा ही था। जब कोई मुझसे पूछता लाइफ में आगे करना क्या है, मैं उनसे बोलता अभी तो कॉलेज चल रहा है, बाद में सोचेंगे। मैं ही नहीं, नॉर्मली हम इंडियंस की लाइफ ऐसे ही जाती है। पहले बच्चा स्कूल जाता है, फिर 10th में अच्छे मार्क्स आए तो साइंस, कम आए तो कॉमर्स, और भी बेकार स्टूडेंट है तो उसको आर्ट्स दिला दी जाती है। हम सब पर भी यही रूल अप्लाई होता है। मैंने भी ऐसा ही किया था और लोगों के कहने पर कि बेटा कंप्यूटर्स में बहुत स्कोप है, वो भी किया। बट दोस्तों, कुछ लाइफ इंसिडेंट्स, बुक्स, मेंटर्स और एक्सपीरियंस ने मेरा ओपिनियन एकदम चेंज कर दिया। वरना मैं भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की तरह सोच रहा होता, एक जॉब मिल जाए और उसको मिलने के बाद जाने कब तक उसमें फंसा रहता दूसरों के एम पूरा करने में। दोस्तों, आज मेरे पास अपने स्पेसिफिक गोल्स हैं जिसका हिस्सा मेरा ये चैनल भी है। दोस्तों, मैं एक डायग्राम में आपको बताऊंगा कि अपने एंड गोल पर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अपने एंड गोल डिसाइड करते हैं कि एट द एंड हमें लाइफ में करना क्या है, और अकॉर्डिंगली 10 ईयर्स के गोल डिसाइड करते हैं कि उसको ध्यान में रख के 10 साल के गोल क्या हैं, फिर 5 साल के गोल क्या हैं, 10 साल के गोल को ध्यान में रखते हुए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इसी के बेसिस पर आज के जो गोल हैं, जो मैं आज कर रहा हूँ, क्या उनसे मेरे एंड गोल फुलफिल होते हैं या नहीं। दोस्तों, एक्चुअल में हमें एंड गोल डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले हमें एंड गोल ही डिसाइड करना चाहिए, बट हम इसका अपोजिट करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल 16 आवर्स भी काम करते हैं और एक मीडियोकर बन के रह जाते हैं। दोस्तों, अब आपके माइंड में आ रहा होगा देन हाउ टू सेट द रियलिस्टिक गोल, एंड गोल कैसे बनाएं। ओके, लेट्स सी। दोस्तों, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें अपने गोल चूज करते समय अपनी फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल एटसेट्रा कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जिसको धूल और केमिकल से एलर्जी है, उसको सीमेंट टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग नहीं चुननी चाहिए। एक पर्सन जिसको बाहर का खाना, ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, उसको मार्केटिंग की फील्ड नहीं चुननी चाहिए। अदरवाइज हम एक डिसेंट सैलरी तो पा लेते हैं, एक डिसेंट लाइफ भी जी लेते हैं, पर हम एक एवरेज इंडिविजुअल ही बन के रह जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने गोल्स कैसे बनाएं। दोस्तों, ऊपर दिए हुए एग्जांपल्स को ध्यान में रखकर अच्छे से अकेले में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करें। अपने 2, 3, 4, 5 जितने दिन चाहते हैं उस पे लगाएं। उसके बाद अपने वेल विशर्स की एडवाइस लें।
वेल विशर्स से मेरा मतलब वेल विशर्स ही है, वो फेक पीपल नहीं होने चाहिए जो आपको मिसगाइड कर दें। इसमें अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करें, अपना पूरा टाइम लगाएं इसको ब्रेनस्टॉर्म करने में। इसके बाद अपने एम्स को शॉर्टलिस्ट करके 3 ऑप्शंस में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल, लेट्स से योर ऑप्शन 1 इज इंजीनियरिंग, आपके ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ये बस एक एग्जांपल है। उस ऑप्शन पर 10 पेज की स्टोरी लिखें कि एज अ प्रोफेशनल और इन सोशल लाइफ इस फील्ड में अब से आगे 10 साल और फिर उसके बाद आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अगर आप ये फील्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ आने वाले समय में कैसी होने वाली है, इस पे एक 10 पेज की स्टोरी लिखें। फॉर एग्जांपल, एज अ इंजीनियर मैं अभी 4x4 के कैबिन में बैठकर कोडिंग करता हूँ। अब मैंने सोचा कि 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसे होगी, मैं फैमिली को टाइम दे पाऊँगा या नहीं, तो मैं अपनी स्टोरी में लिखूँगा 10 साल बाद मैं 4x4 की जगह हो सकता है 8x8 के केबिन में बैठकर कोडिंग कर रहा हूँ, पर मुझे करनी कोडिंग ही होगी, किसी और के ड्रीम्स फुलफिल करने होंगे, फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये सब आपकी स्टोरी में होना चाहिए। फिर 2 या 3 दिन बाद सेम प्रोसेस आप ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के लिए भी करें। एंड दोस्तों, हियर कम्स द क्रक्स, 1 वीक के बाद सारी स्टोरीज को एक साथ पढ़ें और 15 मिनट बाद तीनों स्टोरीज में से कोई एक स्टोरी को री रीड करें जिसको पढ़ने के लिए आपका दिल कह रहा है। जब आप उन तीनों में से एक स्टोरी सिलेक्ट करने के लिए जा रहे होंगे तो आपके अंदर से एक इनर वॉइस जनरेट होगा कि यार सिलेक्ट स्टोरी नंबर 2 और लेट्स से स्टोरी नंबर 3 और स्टोरी नंबर 1। ट्रस्ट मी गाइस, इस पर बहुत रिसर्च हो चुके हैं, जो भी स्टोरी आप सिलेक्ट करते हैं री रीड करने के लिए बस वही गोल आपके दिल के सबसे करीब होता है। फिर आप बस क्या करें, इसको एंड गोल लेकर अपने एक्शंस आज से ही लेने शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं पीएम बनना चाहता हूँ, मेरा एंड गोल है कि मैं इंडिया का पीएम बनूं, बट आज मैं एक 4x4 के केबिन में बैठ के उसके लिए कोडिंग नहीं कर सकता। एग्जांपल नंबर 2, मेरा एंड गोल है मैं एक फेमस शेफ बनूं, मैं रेस्टोरेंट की चेन ओन करूं जैसे कि मैकडी वगैरह है, बट आज मैं घर पे बैठकर उसके लिए UPSC और SSC की तैयारी नहीं कर सकता, ये बस टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट सिलेक्ट द एंड गोल एंड फिर 10-year गोल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, ये जो मेथड मैंने आपको बताया इसे शॉर्ट लिस्टिंग मेथड कहते हैं, जो कि साइंटिफिक एंड लॉजिकल मेथड है और रिसर्चर्स ने इस पर बहुत रिसर्च करी है बहुत लोगों के ऊपर। दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते और कैसे फोकस्ड रहें। दोस्तों, ये जो मैंने ऊपर एक्सरसाइज बताई, हो सकता है इसमें आपको 1 या 2 मंथ लग जाएं, पर ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये जेन्युइनली एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे, आप उस दिन अपने गोल को लेकर एकदम क्लियर होंगे। दोस्तों, लाइक करें अगर आपको ये आइडिया पसंद आया, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में, जिससे कि वो लोग भी इसके बेनिफिट्स ले सकें, और सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।